लोग काफ़ी खुश हैं। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनका मुद्दा अपना पर्सनल निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी किसान योजना में नहीं है या किसानों के लिए जो भी बिल पास किया है उसमें नहीं है जिससे किसानों को कोई भी क्षति हो। बल्कि पहली बार आप देखिए गांव-गांव का किसान आपको समृद्ध अवस्था में दिखेगा। आज से 15 साल पहले जो किसानों की स्थिति थी अब वो नहीं है। हर किसान कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर चढ़ गया है। हमरा सब के प्रधानमंत्री के अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलल ये, मिट्टी जाँच के सारा सुविधा प्राप्त ये। हमरा सब के जो छे से कृषि यंत्र के यदि हम सब ले छी तो ओहिमे हमरा सब के सुविधा मिले ये। यानी मोदी जी के तरफ से हमरा सब के बहुत तरह के सफलता मिले ये। किसान सम्मान निधि से हमरा 6,000 रुपया प्रतिवर्ष भेटे ये और ओहि लेल हम मने बहुत बहुत तरह के हमरा सब के प्रधानमंत्री जे छै किसान के लेल बहुत तरह के सुविधा देलखिन हैं। बिजली नहीं रहे, जल नहीं रहे, ये सब के सब चीज के सुविधा देलखिन गे, जे लेल हम सब बहुत आभार हुनका करै छियनि। जो भी अमाउंट आ रहा है वो सीधे हम लोग के बैंक अकाउंट में आ रहा है, बिचौलिए के कहीं पे कहीं भी बीच में कोई लेने वाला नहीं है। सरकार के तरफ से जो भी योजना हम लोग के अपने अकाउंट में आता है और हम लोग उससे अपना खेती करते हैं, बहुत हेल्प मिलता है सरकार से। मोदी जी ने जो किसानों के लिए और कृषि के लिए जो विभिन्न काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में, उससे मैं काफ़ी उपकृत हूँ। छोटे छोटे किसानों को जो आवश्यकता होती है तो उनकी जो आर्थिक मदद मिल रही है 2,000 रुपये प्रति 4 महीने पर, तो एक लाभ ये हुआ। और यूरिया के लिए जो मारामारी होती थी, पीठ पर लाठियां खानी पड़ती थी, वह बंद हुआ है। सिंचाई के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वर्तमान में कुछ कम ही सही, लेकिन आगे लगता है उससे जो अच्छा फायदा होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी।